नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। शनिवार और रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन रद्द, बस स्थानक पर कोरोना नियमावली का हो रहा उल्लंघन, लगातार 4 दिन रहेंगे बैंक बंद, करोड़ों रुपए का व्यवहार होगा प्रभावित, बेटी नहीं की मां की हत्या, मौत की वजह अभी भी अस्पष्ट, और मंदिर बंद होने के बाद भी बाहर से ही श्रद्धालुओं ने दिए दर्शन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण का फैलाव बढ़ने से प्रतिबंधात्मक उपाय को और कड़ा करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने समूचे जिले के अकोला शहर, मुर्तिजापुर व अकोट में संपूर्ण संचारबंदी का आदेश जारी किया था, लेकिन नागरिकों की असुविधा को देखते हुए पालक मंत्री ने शनिवार और रविवार को लगाया गया लॉकडाउन हटाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं, जिसके चलते अकोला जिले में सभी तरह की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे के दौरान खोलने की अनुमति दी गई है। रविवार को जो लॉकडाउन होने वाला था वो भी कैंसिल किया है। आज जो स्थिति है वैसी स्थिति रहेगी, और सब नागरिक मेरा आह्वान है कि आप थोड़ा संभाल के रहो, दूरी से रहो और मास्क पहन के रहो। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र समेत जिले में पिछले पखवाड़े भर से चल रहे लॉकडाउन के बावजूद एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, वही प्रतिदिन पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की संख्या में घटने का नाम नहीं ले रही है। यह हालात लॉकडाउन बढ़ने का कारण बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक उपाय योजना को लेकर भी नागरिकों में लापरवाही बढ़ गई है। जहां जहां भीड़भाड़ वाली जगह है वहां मास्क लगाना तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन शहर के नए बस स्थानक परिसर में कोरोना नियमावली का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। बाहर गांव आने जाने वाले यात्री तो छोड़ो, महामंडल में कार्यरत कर्मचारी भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इस कारण कोरोना संक्रमण का फैलाव बढ़ने में मदद मिल रही है। बस स्थानक पर 2-4 बार कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद यहां कार्रवाई न होने के कारण बेखौफ होकर यात्रीगण मास्क न लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर कोरोना संक्रमण का फैलाव कर रहे हैं। यह देखते हुए कोरोना नियमावली का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। यदि आपका बैंक से संबंधित कोई काम है तो उसे आज अर्थात शुक्रवार को निपटा ले। इसके बाद बैंक लगातार 4 दिन 13 से 16 मार्च तक बंद रहेंगे। 2 दिन बैंक में अवकाश है, जबकि 2 दिन बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर रहेंगे। 4 दिन की बंदी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की घोषणा की है। इससे पहले 13 मार्च को माह का द्वितीय शनिवार व 14 मार्च को रविवार का अवकाश है, तो इन दोनों दिनों बैंक बंद रहेंगे। इस तरह लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इससे पूर्व 11 मार्च को महाशिवरात्रि के चलते बैंकों को छुट्टी थी। ऐसे में परेशानी से बचने के लिए 12 मार्च को बैंक संबंधित काम निपटा ले, अन्यथा आपका बैंक का कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएगा। हड़ताल में जिले के सभी सरकारी बैंक की 334 शाखाओं में तालाबंदी रहेगी। इन बैंकों में कार्यरत 1598 अधिकारी और कर्मचारी निजीकरण के विरोध में 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। बैंक बंद होने के चलते वो कोई लेन देन न होने से जिले में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो सकता है। खदान पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पुराना आरटीओ कार्यालय मार्ग पर स्थित स्वप्नशील अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर 60 वर्षीय वृद्ध महिला का रक्त रंजित शव बुधवार को देर शाम पाया गया था। इस संदर्भ में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को घर की इकलौती बेटी पर संदेह होने के कारण उन्होंने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ में गुरुवार को बेटी ने यह बात कबूली कि उसने मां की हत्या की है, लिहाजा बेटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है तथा आगे की जाँच पुलिस कर रही है।
राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुबह 5 बजे से सायंकाल 5 बजे तक जिले के शिवालयों में महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं को दिशा निर्देशों के तहत दर्शन सुलभ करने के आदेश देने के कारण गुरुवार को शहर के राजराजेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने हाजिरी लगाकर भोलेनाथ के दर्शन का पुण्य कमाया। सायंकाल 5 बजते ही राजेश्वर मंदिर के किवाड़ बंद किए गए थे, जिसके चलते जो श्रद्धालु सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दर्शन नहीं ले पाए थे तथा मंदिर में राजराजेश्वर महाराज को किए जाने वाली आकर्षक सेज देखने के लिए जो श्रद्धालु आए थे, उनके हाथ निराशा ही लगी। मन मारकर इन भक्तों को बाहर से ही राजराजेश्वर महाराज के दर्शन लेने पड़े। इस कारण मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मध्य रेलवे की ओर से दिनांक 13 व 14 मार्च को सुबह 2 बजे से 7:15 बजे तक कल्याण और कसावा खंड पर अप और डाउन लाइनों पर 3 स्थानों पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक परिचालित करेगा, जिससे अकोला में गुजरने वाली ट्रेनों की समय सारिणी बुरी तरह लड़खड़ा जाएगी। भुसावल मंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सुबह 2:15 बजे से सुबह 7:15 बजे तक खड़ावली और वाशिंग स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 61 पर आरएच गर्डर का कार्य किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मार्च को प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होने वाली अब हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन को जलगांव वसई रोड मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा और कल्याण की तरफ के यात्रियों के लिए भिवंडी रोड पर हाल्ट दिया जाएगा। 13 मार्च को प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होने वाली अमरावती CSMT स्पेशल ट्रेन को अमरावती से 3 घंटे रीशेड्यूलिंग किया जाएगा, जबकि 13 मार्च को प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होने वाली गोंदिया CSMT स्पेशल ट्रेन को गोंदिया से 3 घंटे रीशेड्यूलिंग किया जाएगा। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए बाहरगांव से आने जाने वाले वाहनों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों का पालन पहले कड़ाई से किया गया। शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा बाहरगांव से आने जाने वाले वाहनों की जांच कर कोरोना नियमों का पालन न करने वाले सैकड़ों वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब इस कार्रवाई में ढिलाई बढ़ती जा रही है। शहर में वाड़ेगांव रोड, पातल रोड, बालापुर रोड, अकोट रोड तथा बोरगांव से अवैध यातायात करने वाले कालीपेड़ी टैक्सी, एपे ऑटो, मैजिक वाहन, लग्जरी बसेस द्वारा रोजाना सैकड़ों यात्री शहर में आना जाना करते हैं। इन सभी वाहनों में क्षमता से ज्यादा यात्री दिखाई दे रहे हैं। सभी यात्रीगण कोरोना नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। इन वाहनों पर कार्रवाई करने के बजाय अवैध रूप से यात्रियों की ढुलाई करने वाले वाहन चालकों से वसूली करने का काम ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इन सभी रास्तों पर 2-2 स्पेशल कर्मचारी स्पेशल रूप से तैनात किए गए हैं। इन वाहन चालकों से केवल वसूली करने का काम उन्हें सौंपा गया है। इस कारण अवैध रूप से यात्री ढुलाई करने वाले वाहन चालक बेखौफ होकर कोरोना नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं को रोकने हेतु इन वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। समाचारों में अब वक्त चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। महाशिवरात्रि पर साधु संतों ने किया पहला शाही स्नान, काया काची और मन हरिद्वार। हरिद्वार में पहली बार किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान किया। 15 से 21 मार्च तक नागपुर लॉक, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन पर 1-2 दिन में निर्णय, उद्धव ठाकरे ने दी जानकारी। MPSC परीक्षा की तारीख का ऐलान आज, परीक्षा रद्द होने पर राज्य भर में छात्रों का प्रदर्शन, विपक्ष समेत कांग्रेस ने भी जताई नाराजगी। ब्रह्मा कुमारीज की मुखिया गुलजार दादी नहीं रही, 93 वर्ष की आयु में देहांत, माउंट आबू में होंगे अंतिम संस्कार। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आज से, आयोजन की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पीएम मोदी करेंगे। दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह के 51 साल शुक्रवार को पूरे। भगवद गीता का ई बुक वर्जन लॉन्च, युवाओं को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, इससे मुश्किलों से लड़ने में मदद मिलेगी, कहा मोदी ने। नंदीग्राम में ममता को लगी चोट के बाद प्रदर्शन और टकराव शुरू, व्हील चेयर पर प्रचार करूंगी, बोली ममता, जबकि भाजपा ने बोला यह चोट पर रोड का खेल है। आर्किटेक्ट अन्वय नाइक मामला, ठाकरे सरकार से न्याय की उम्मीद, अन्वय नाइक की पत्नी व बेटी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से की भेंट। 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा के लिए अभियान चलाएगी राज्य सरकार, तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने की बैठक, सभी पहलुओं पर किया गया विचार।
राज ठाकरे साहब मास्क पहनना शुरू करो, मुंबई के महापौर ने की राज ठाकरे से विनती, बोलिए राज ठाकरे हमारे लिए बहुमूल्य है। टोल वसूली को लेकर अदालत की नाराजगी पर MSRDC ने बताया वसूल नहीं हो पाई है मुंबई पुणे हाईवे की लागत, 2030 तक जारी रहेगी वसूली। कनाडा में लगे मोदी के होर्डिंग, वैक्सीन के लिए मोदी को दिया धन्यवाद, कनाडा को भारत ने 5,00,000 वैक्सीन की डोज की आपूर्ति की थी। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष बंगाल में चुनाव लड़ेंगी, माकपा ने जमुरे सीट से दिया टिकट, JNU की छात्र संघ अध्यक्ष है आयशी घोष। झुग्गी में रहते हैं अहमदाबाद के महापौर, कहा काम के लिए स्थान की नहीं जज्बे की जरूरत, मेयर बनने के बाद कहा इसी घर में रहेंगे। हरपन मौला में एली औरान संग अमीर ने दिखाई जबरदस्त केमिस्ट्री, फिल्म का सॉन्ग वाह आउट, गाने में आमिर का कुल डांसिंग होता नजर आ रहा है। रोहित शेट्टी के बर्थडे पर अनाउंस होगी सूर्यवंशी की रिलीज डेट, 14 मार्च को है रोहित शेट्टी का जन्मदिन, OTT रिलीज में पर्याप्त अंतराल रखने की मांग पर डटे है रोहित शेट्टी। कर्नाटक को हराकर फाइनल में पहुंची मुंबई, पृथ्वी शॉ एक सीजन में 750 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, कर्नाटक के तूफानी बल्लेबाज पड्डीकल की पारी नाकाम। इंग्लैंड के सामने भारत की चुनौती, शाम 7 बजे से अहमदाबाद में पहला T20, इंग्लैंड की टीम पूरी ताकत से आई है। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। शनिवार और रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन रद्द, बस स्थानक पर कोरोना नियमावली का हो रहा उल्लंघन, लगातार 4 दिन रहेंगे बैंक बंद, करोड़ों रुपए का व्यवहार होगा प्रभावित, बेटी ने ही की मां की हत्या, मौत की वजह अभी भी अस्पष्ट, और मंदिर बंद होने के बाद भी बाहर से ही श्रद्धालुओं ने दिए दर्शन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।